राजा भैया ने कल दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर जी योगी आदित्यनाथ के डिनर पार्टी में थे। देखिए, जिस तरीके का अखबार और टीवी में जिस तरह खबरें चल रही हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जो प्रत्याशी बने हुए हैं जिस कुर्सी पर बैठने के लिए, उनके तरफ से विशेष आग्रह किया गया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश हुआ कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम लोग एक आदिवासी समाज की महिला का सम्मान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा करने के लिए और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों ने उस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थान पर उनसे मिलने के लिए चले गए। मिल करके बस वो उनका सम्मान बढ़ाया, लेकिन हमने अभी वोट देने का फैसला नहीं किया। हम लोगों ने तय किया कि माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन में हम आएँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करते हैं 6 तारीख 7 तारीख को, और 6 तारीख को हमें सूचना आती है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायकों के को भी बैठक में आना है, लेकिन बैठक किसी कारणवश हमको कैंसिल बताया गया और कैंसिल का हवाला दे करके बैठक सेम टाइम पर किया जाता है। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी को बताना होगा कि आखिरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बैठक में क्यों नहीं बुलाए, जब मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ और हमारे विधायक आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपने बैठक में हमको नहीं बुलाया। तो आपने संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं आप पर्दे के पीछे कोई खेल कर रहे हैं जिसके वजह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ठीक है, 2022 में हम आपके साथ थे, बहुत मजबूती से काम किए, हम तो चाहते हैं 2024 में आपके साथ मजबूती से काम करें, लेकिन आपको आपको तय करना है, समाजवादी पार्टी को तय करना है क्या वो हमारे वोट की ज़रूरत उनको है कि नहीं है। वो तय कर लें, अगर 12 तारीख तक वो तय कर लेते हैं तो हम विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देंगे, अगर वो नहीं तय करते हैं तो फिर आगे पार्टी जो फैसला करेगी, जो विधायक तय करेंगे वो फैसला आपके सामने आएगा।